जय हिंद साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग। दोस्तों आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और बहुत सारे लोग हैं मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, जितने भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, आई होप उनको बहुत ही अच्छी से अच्छी जानकारी मिल रही होगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सके। तो पूर्व सैनिकों के लिए खुशी की खबर और है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से खुशखबरी आई है। दोस्तों यहाँ पर जो है रेलवे जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन खुल चुके हैं, 2024 के अंदर वैकेंसी आई है। तो बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है पूर्व सैनिकों के लिए, रेलवे बोर्ड के अंदर उनकी तरफ से जो है खुशखबरी है यहाँ पर कि पूर्व सैनिक जो है आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ बड़ी ही आसानी से रेलवे के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पूर्व सैनिक रेलवे में काम करना चाहते हैं और जिनके परीक्षा का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ है क्योंकि अब आरआरबी 2024 का कैलेंडर आ चुका है यहाँ पर। चलिए जानते हैं कि इस साल आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन और लेवल वन की वैकेंसी कब आएगी और परीक्षा कब होगी। तो आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी की बात करें तो अप्रैल से जून तक आएगी और उसके 2 से 3 महीने बाद परीक्षा ली जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल की बात करें तो ये वैकेंसी जुलाई से सितंबर तक आएगी। आरआरबी की तरफ से लेवल वन यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी की बात करें तो वो अक्टूबर से दिसंबर तक आएगी। आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, तो आपके पास भी अगर आर्मी से ग्रेजुएटेड सर्टिफिकेट या सिविल से ग्रेजुएटेड सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप केवल 12वीं पास हैं तो भी आप आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से आरआरबी के सभी ग्रुप सी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के बारे में बात करें तो पिछले साल जो है 35,000 वैकेंसी आई थी और 10% यानी कि 3,538 पद जो है वो पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे। इस साल लगभग 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर। तो मैंने आपको यहाँ पर सारी जानकारी क्लियर कर दिया, आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी है तो अपने भाइयों के साथ जरूर शेयर कर देना। इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो और उनको भी बता दो कि यार ई एक्स सर्विसमैन के लिए अब जो है आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है वो ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए वैलिड है। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।